आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। उल्हासनगरमधील VTC ग्राउंड शेजारी असलेल्या शहीद अमर जवान यांच्या स्मारकाच्या दुरुस्तीबाबत आज प्रभाग समिती कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले आहे। उल्हासनगर प्रभाग समिती 3 समोर शहीद अमर जवान यांचे स्मारक उल्हासनगर महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी उभारले आहे, परंतु या स्मारकाची आता मात्र दुरवस्था झाली आहे। स्मारकाच्या बाजूला चौतारा पूर्णपणे उखडला असून स्मारकाच्या बाजूच्या संरक्षणार्थ लावलेल्या साखळ्याही तुटल्या आहेत। स्मारकाच्या बंदुकीवरील जवानाचे शिरस्त्राणही गायब झाले आहे। महापालिकेला जर शहीदांचा मान ठेवता येत नसेल तर त्यांनी किमान अशा प्रकारे त्यांच्या त्यागाची आणि बलिदानाची कुचेष्टा तरी करू नये असा संतप्त सवाल जितू राठोड यांनी उपस्थित केला आहे। पिछले कई महीनों से महानगर पालिका को हमने पत्र देकर माननीय आयुक्त साहेब, प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं, आपके PWD के जो अधिकारी हैं, इन सभी को हमने पत्र देकर अमर जवान चौक की दुर्दशा जो है इससे संपूर्ण शहर वाकिफ है और अलग अलग टाइम पर यहाँ पर आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्रकार का काम नहीं हुआ। इसकी दशा इतनी दयनीय है कि पूरा चिक्कल भरा हुआ है, ऊपर कुत्ते इस पर बैठते हैं, इसके पीछे जो फाउंटेन है वो पूरा गंदे पानी से, मच्छर बैठे हुए हैं इस रीति से भरा हुआ है, बंदूक टोपी ये सब की चीज़ें टूट चुकी हैं, मतलब इसकी पूरी रीति से बेकदरी हो चुकी है, जिसके विषय में महानगर पालिका को कई बार हमने पत्र दिए हैं, मिलकर उनको समझाया है, बताया है कि ये शहीदों का स्थान है, स्मारक है, इसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए, एक भावनिक विषय है, लेकिन फिर भी अभी तक इसका काम महानगर पालिका की तरफ से पूरा नहीं हुआ। हमने आज के दिन आंदोलन के विषय में महानगर पालिका को पत्र दिया था और हम आंदोलन करने भी वाले थे, लेकिन बड़े पैमाने पर करने वाले थे, लेकिन माननीय खासदार साहब और महापौर इनके तरफ से लेट नाइट मुझे बातचीत हुई है और उन्होंने सोमवार को महानगर पालिका में महापौर जी ने बुलाया है और इसका काम जल्द से जल्द वो हाथ में लेने वाले हैं। एक्चुअली मैं प्रशासन के साथ में कांटेक्ट में था, महापौर इनके पास तक मैंने पत्र नहीं दिया था, लेकिन रात को मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आप आइए मिलकर बैठेंगे और जो भी आपका ये काम है, शहीदों का जो अपमान हो रहा है उनके विषय में मैंने उनको जानकारी दी है, जल्द ये काम पूरा होगा ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। इसलिए भारत देश 15 ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन आज साजरा करत असताना त्याच्या एक दिवस अगोदर आंदोलन करण्याची वेळ यावी हे निश्चितच संतापजनक म्हणावे लागेल। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।